राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड में 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि कम हुई है। इसके पीछे तमाम विकास और निर्माण कार्य रहे हैं, जिनके चलते कृषि योग्य भूमि की जगह पर अन्य निर्माण कार्य किए गए। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अब कृषि भूमि को बचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भू कानून को लेकर विस्तार से अध्ययन किया जा रहा है और कई प्रदेशों के भू कानून पर चर्चा हो रही है, उसमें जो भी अच्छा होगा उस पर गहन मंथन करने के बाद उत्तराखंड में लागू करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश में सख्त भू कानून लागू करने के साथ साथ कृषि भूमि को भी बचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी खुद चिंता कर रहे हैं, हम सारे प्रदेशों के भू कानून का हम अध्ययन कर रहे हैं और उन सब में से जो सबसे बेहतर होगा इस प्रदेश की जनता के लिए हम उसको लेकर आएंगे। ये धामी सरकार का संकल्प, जरूरत पड़ेगी कि हिमाचल जैसा कानून लागे तो हम उसको भी लाएंगे, लेकिन कृषि की भूमि को बचाना हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि आज 24 साल के अंदर 2 लाख हेक्टेयर कृषि की भूमि या विकास के नाम पर या अन्य नाम पर चली गई है और आगे इसको हमें रोकना होगा ताकि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम अपना उत्पाद ला सकें।